इसमें तीन चार कलर्स आते हैं। एक तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट वाला व्हाइट कलर। अब इसके अंदर आपको ये थोड़ा पर्पल वेन्स के साथ में दिख रहा है। इंडियन मार्बल के अंदर ये वंडर व्हाइट ऐसी क्वालिटी है सर, जो बिल्कुल आपको इटालियन वाला ही फील देगी। सस्ती रेटों के अंदर जब अपन देखते हैं कोई चीज को, तो वहाँ ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको मटेरियल सिमिलर नहीं मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जैन श्री वर्धमान सागर मार्बल्स किशनगढ़ से। अगर आप अपने घर के लिए मार्बल या ग्रेनाइट वगैरह कुछ लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमारे किशनगढ़ के स्टोर श्री वर्धमान सागर पर विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको मार्बल्स की काफ़ी वेराइटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ग्रेनाइट्स काफ़ी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा और एक हेल्पफुल वीडियो रह सकता है। मैं इसमें जो क्वालिटी दिखाने जा रहा हूँ, वो एक काफ़ी पॉपुलर इंडियन मार्बल है। वाइट बेस उसका आता है और लुक्स एकदम इम्पोर्टेड इटालियन जो कलर्स आते हैं, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री इंडिया के बाहर से जो आते हैं, सेम लुक लाइक अपना इंडियन मटेरियल है। क्वालिटी का नाम मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटी का नाम है सर वंडर व्हाइट मार्बल, जो राजस्थान में माइनिंग होती है और उसका जो प्रोडक्शन होता है बांसवाड़ा के अंदर होता है। बांसवाड़ा के अंदर काफ़ी माइनिंग्स हैं, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट माइन है आरके मार्बल्स, इनकी फर्म का जो माइन्स है, उनके जो मटेरियल अपन यहाँ पे मंगवाते हैं और काफ़ी टॉप क्वालिटी है। एक एक करके मैं आपको इसके अंदर जो हमारे व्हाइट बेस के काफी जो अट्रैक्टिव लॉट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा, उन लॉट्स को आपको दिखाऊंगा, उनकी प्राइस क्या है, उनका लुक्स कैसा है, उनकी थिकनेस कितनी है। और ये चलिए मैं आपको एक एक करके वो लॉट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी अपन खड़े हैं अपने पहले लॉट की तरफ। ये एक व्हाइट बेस का वंडर व्हाइट यानी बांसवाड़ा, इसके दो तीन अलग अलग नाम से यहाँ पे बुलाते हैं, पर जो एक बेसिक नाम है, आप इसको वंडर व्हाइट के नाम से ही इस मार्बल को पहचानोगे। अधिकतर जो भी यहाँ पे जो शॉप वाले होते हैं, इसको वंडर व्हाइट के नाम से बोलते हैं, तो इसका ओरिजिनल नेम तो वंडर व्हाइट ही है। तो इसमें तीन चार कलर्स आते हैं। एक तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट वाला व्हाइट कलर। सेकंड इसके आता है व्हाइट के साथ में एक पर्पल टोन। तीसरा इसका एक कलर आता है मैंगो कलर का, वो आता है, उसका मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी। और जो पर्पल कलर का है, उसका सतवारियों के नाम से एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो एक वीडियो आप इसको देखिए पहले आप इस लॉट को। ये 8 फीट बाई 5 फीट की हाइट का एक लॉट है और तकरीबन इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 2500 स्क्वायर फीट का एक सिंगल लॉट है। कंप्लीटली सिमिलर और शाइनिंग लॉट है। इंडियन मार्बल के अंदर ये वंडर व्हाइट ऐसी क्वालिटी है सर, जो बिल्कुल आपको इटालियन वाला ही फील देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिश है, बाकी के जो नॉर्मल व्हाइट मार्बल, जो ट्रेडिशनल व्हाइट मार्बल होते हैं जो राजनगर से आते हैं, या नॉर्मल जो व्हाइट मार्बल अपने अभी तक देखा है, उससे काफी अच्छी इस पे पॉलिश आती है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल लेस मटेरियल ये होता है, तो इसमें काफी स्मूथनेस वाली फील लगेगी आपको, और लगेगा कि कुछ पॉलिश चमक रही है, चमक आपको अच्छे से दिखेगी इसके पॉलिश की। और अभी ट्रेंडिंग है काफी है, इसमें कोई ऐसे कोई फिगर डिजाइन वगैरह वो नहीं बनती है, इस वजह से भी ये काफी पॉपुलर है। लगाने में भी इसे आपको ऐसे नहीं है कि फिगर मिला के लगाना है, आप रेंडमली इसको फिट कर सकते हो। फिटिंग में भी इसको फिटर्स जो होते हैं, मिस्त्री लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। मोटाई की इसकी मैं बात करूं, हर लॉट वंडर व्हाइट का आपको एक प्रॉपर 17 mm एब्सोल्यूट थिकनेस के अंदर मिलेगा, इससे कम थिकनेस बिल्कुल नहीं आएगी। कम से कम आपको 17 mm इसकी थिकनेस जो आती है, उसी थिकनेस के अंदर आपको जरूर जरूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले लॉट की तरफ। इसके और भी काफी मेरे पास में लॉट्स अवेलेबल है, क्वांटिटी पूरी बल्क में आप ये देख सकते हैं कि अवेलेबल है, कंप्लीट शेड इसका भरा हुआ है। इसके अलावा फैक्ट्री पर भी हमारे पास में स्टॉक अवेलेबल है। सारा तो इम्पॉसिबल है दिखाना, इसको सारा इम्पॉसिबल दिखा नहीं सकते। इसके जो 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 बेस्ट बेस्ट लॉट है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही दिखाने जा रहा हूँ। इसका सेकेंड लॉट है, उससे जो अपन ने पीछे कंपेरेटिव में देखा था, उससे ये थोड़ा साइज में छोटा है। ये वही व्हाइट बेस का अच्छा लॉट है। आप चमक चेक करो इसकी पॉलिश की, काफी शानदार इसमें ग्रेस आता है। ये तो केवल हो सकता है वीडियो में आपको ज्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, बट आप जब यहाँ आके इसको देखेंगे और जब फील करेंगे हाथ लगा के दो इसमें पीस पे, तो आपको उसका ग्रेस और फिनिशिंग और जो इसकी क्वालिटी है, इसके बारे में एक पता पड़ेगा कि कैसी क्वालिटी है, कितना अच्छा ये सुंदर मार्बल है। अब मैं रेंज की बात कर देता हूँ, सॉरी मैं आपको पिछला जो लॉट था उसके रेट नहीं बता पाया था, उसकी इस दोनों की मैं आपको लॉट की रेट बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए जो अच्छी जो क्वालिटी होती है वो 60 रुपये से मोटा मोटी स्टार्ट होती है, 60 रुपये से लेके 150 रुपये तक, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो इस रेट में जाता है। बेसिकली जो अभी दोनों लॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 65 रुपीज़ की रेट के अंदर आपको ये अवेलेबल है वाइट बेस के लॉट। तो चलिए इसका जो अगला लॉट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। काफी जंबो जेट लॉट है,
साइज में बताऊं इसकी तो ये 7 फीट इन लेंथ में है और लगभग 5.25 फीट इसकी हाइट है। एक काफ़ी सुपीरियर साइज का ये लॉट है। इसका आप डिज़ाइन पैटर्न में दिखाऊँ आपको, जैसे मैं बता रहा था कि वंडर में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स वगैरह आपको दिखेंगे। अब इसके अंदर आपको ये थोड़ा पर्पल वेन्स के साथ में दिख रहा है। ये लुक आपको 100% एक इटालियन मार्बल का जो एक लुक होता है वो आपको मिलेगा। और इसकी खास बात ये भी है, इसमें जब फिटिंग होगी आपके तो फिटिंग के बाद में जॉइंट्स इतने विजिबल नहीं होंगे जितने जॉइंट्स आपके नॉर्मल जो व्हाइट मार्बल होते हैं उनमें क्लियरली विजिबल रहते हैं। इसमें आपको एक जॉइंट की फीलिंग नेक के बराबर लगेगी कि हाँ भाई जॉइंटलेस आपका फ्लोर लग रहा है और काफी सुंदर पॉलिश के साथ लगेगा। 2500 स्क्वायर फीट की इसमें क्वांटिटी है स्लॉट के अंदर। ये भी 65 रुपीज की एक रेट के अंदर अवेलेबल है। मटेरियल पूरा सिमिलर आएगा, मोस्ट टू आप जो फर्स्ट पीस देख रहे हो वो बहू आपके वैसा ही चलेगा। मार्केट में क्या है कि काफी लोग कुछ अलग टाइप से भी डील करते हैं, दो पीस कैसे हैं और बाकी का लोड कैसा है, इस टाइप की भी काफी इन चीजों अवेयर रहना आपको काफी जरूरी होता है। सस्ती रेटों के अंदर जब अपन देखते हैं कोई चीज को तो वहां ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको मटेरियल सिमिलर नहीं मिले। इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से माल को पहले चेक करें, चाहे कहीं से भी लें, उसके बाद ही अपना सेटिस्फेक्शन हो जाए कंप्लीट, उसके बाद अपन आगे की डील को फाइनल करिए। तो चलिए देखते हैं अपन अगला लॉट। व्हाइट बेस के अंदर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लॉट, इसके जस्ट आगे जैसे कि मैंगो वाला लॉट पड़ा है, इसके बारे में तो अपन एक सेपरेट वीडियो पहले से बनाया हुआ है। अब ये भी लगभग 2200 स्क्वायर फीट का एक लॉट है। आप इसका पैटर्न देखो, अब ये दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी अलग अलग इसमें पैटर्न माल में आता है। आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको काफी हेल्प रहेगी कि आपको सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। स्ट्रेट लाइनिंग पैटर्न के अंदर एक लॉट आया हुआ है, ये भी लगभग 7 फीट इसकी तो लेंथ है और 4.5 फीट इसकी हाइट है और 2200 स्क्वायर फीट का ये लॉट है। ये भी मेरे जो लॉट है ये 60 रुपये रेट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। 60 रुपीज की रेट के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। आइए ये देखिए सर, अभी केवल आपको एक वाइट जो बेस का लॉट है, वाइट इसमें जो चल रहा है उसी बेस के आपको मैं लॉट दिखाई जा रहा हूँ। तो जैसे ये लॉट है ये लगभग 2000 से 2100 स्क्वायर फीट इसके अंदर क्वांटिटी है। साइज की इसकी मैं बात करूँ तो लगभग ये 6 फीट बाई 4.25 फीट इसकी हाइट है और यूनिफॉर्म कंप्लीटली सिमिलर। आप बस केवल एक लुक देखो वीडियो को तसल्ली से, आराम से इसको रेजोल्यूशन बढ़ा के वीडियो का, तो आपको एक एक चीज क्लियरिटी में दिखेगी। ये आपको एक वीडियो बनाने का पर्पज यही है, क्वालिटी को बारे में अच्छे से आपको एक आने से पहले आपको एक जो थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकती है तो वो हो जाए और कहाँ पे आपको जाना है। मार्केट तो बहुत सारा बड़ा है ये, तो आपको यहाँ आने के बाद में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले से प्रिपेयर होके आते हो कि अपने को इस जगह पे जाना है और जो जो उन्होंने वीडियो में माल दिखाया है एक बार उसको देखते हैं वो कैसा है क्या है, तो आपको जल्दी डिसीजन लेने में आसानी रहती है। इसी पर्पज से अपन ये ऐसे वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं। तो देखिए ये लॉट काफी शाइनिंग और काफी सुंदर लॉट है, आप अपनी फ्लोरिंग में लगाइए तो आपको बिल्कुल इटालियन वाला फील आएगा। रेट की मैं इसकी बात करूँ तो ये पर्टिकुलर 75 रुपीज की रेट का ये लॉट है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लॉट है। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ व्हाइट बेस के जो लॉट्स कवर करे हैं उनकी रेट्स के बारे में आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा अपने माल के बारे में डिसीजन लेने के लिए कि आपको कौन सा माल लेना है और आपको कहाँ पे विजिट करना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ही लॉट दिखाए हैं, पूरा माल नहीं दिखा पाया। पूरा माल दिखाने में क्या होता है कि वीडियो की लेंथ काफी लंबी इंक्रीज हो जाती है, वो आप कई कस्टमर्स उसको देखते देखते बीच में छोड़ देते हैं, इतना लेंथी वीडियो है। इसलिए हम इसको क्या पार्ट पार्ट में बनाते हैं वीडियो को, इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम जरूर बनाएंगे इसी क्वालिटी के अंदर, इसी मटेरियल के। आपके जो कुछ लॉट्स बच गए लाइक दिस, जैसे ये वाला लॉट हुआ बड़ा जंबो साइज का ये लॉट है, जैसे एक लॉट ये हुआ ये भी काफी बड़ी साइज का एक लॉट है। इन वीडियोस को और भी इसके साथ वाले कई लॉट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसके जो नोटिफिकेशंस हैं आपको जो भी हमारा वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाए और जो भी हमारा लेटेस्ट अपडेट है वो आप उसको देख पाएं। तो धन्यवाद श्री वर्धमान सागर मार्बल चैनल से जुड़े रहने के लिए।